हमारी देश की वित्त मंत्री ने शायद बैंकों का विलय कुछ सोच समझ करके किया होगा कि जनता के लिए बैंकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी और बैंक सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि बैंक आप बड़ौदा तानाशाही पर उतर आएगा और सैकड़ों बच्चों का भविष्य उनके खाते को ना खोलकर लटका देगा। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। साथी राम प्रकाश ने ढढूर हिसार से यह रिपोर्ट भेजी है जिसमें स्कूली बच्चों का अकाउंट बैंक विलय होने के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा खोलने से न सिर्फ मना कर रहा है बल्कि वह लोगों को यानी बच्चों के पेरेंट्स को धुतकार कर भगा दे रहा है। मैनेजर है उसका ही राज है, क्योंकि यह मोदी राज और खट्टर राज है। यहाँ ऐसे ही बैंक मैनेजर अपनी तानाशाही मचाते रहेंगे और सरकार कुछ नहीं करेगी। आप सोचिए भला इन बच्चों की गलती क्या है, इससे इनकी सरकारी सुविधा मिलेगी कैसे, सुनिए। गुड़िया है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले से लेकर के पांचवी तक की जो ये समस्या आ रही है, और हाई में हमने पता किया तो वो तो कह रहे कि हमने तो अपने बच्चों के अकाउंट जो खुलवा दिए हैं, लेकिन जो ये छोटे बच्चे हैं इनकी काफी समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी गुड़िया, इनको ये दो तीन बार ले जा चुकी है और जुलाई से लेकर के जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चक्कर लगा रही है, और हिसार जिले का ये मामला है। हाँ जी, आप बैंक में गए थे अकाउंट खुलवाने के लिए, तो क्या हुआ? हाँ जी सर, वो बोले कि अभी ये नहीं खुलने के साथ किसी बैंक में जाने तो हमारे को बार बार परेशान ना करो। और आगे आपको क्या कहा उन्होंने कि अभी आप बता रहे थे कि वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब बदतमीजी कर रहे हैं बैंक वाले? हाँ जी, और सर बोला कि आप बार बार परेशान करते हो, हम सारे वास्ते थोड़ा बैठे हुए हैं, हमारे को और भी काम है। तो यह आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अकाउंट की जो ये समस्या यहाँ आई हुई है, और बच्चों के पेरेंट्स जो यहाँ स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा के चक्कर लगा रहे हैं, और इनके अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो कहीं ना कहीं मना कर रहा है बार बार, और जो टीचर्स भी वहाँ जाके आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बैंक में गए थे तो आपको बैंक वालों ने क्या बोला है? नाटा भाई मना कर, मना कर रहे हैं। ये बहुत जी भी गए थे तो इन्हें भी मना कर दिया गया है। हाँ जी नमस्कार सर, एक मामला ये निकल के आ रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी बच्चों के जो अकाउंट्स वगैरह को लेकर के एक समस्या आ रही है, और पेरेंट्स को जो कहीं ना कहीं चक्कर काटने पड़ रहे, बार बार किराया लगा के वो जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अकाउंट नहीं खोल रही, क्या कारण है आपके स्कूल के मामले में? इसका कारण तो कोई खास नहीं है, लेकिन संख्या बच्चों की ज्यादा होने की वजह से, और या कई बार जो बच्चों के माँ बाप ज्यादा पहुंच जाते हैं बैंकों में, उनका कहना है कि भी एक एक दो, लेकिन एक एक दो दो से तो बात नहीं बनेगी। हमारे तो 162 बच्चे यहाँ नए दाखिल हुए हैं, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से परेशान है बैंक वाले, कुछ पेरेंट्स आ गया शिकायत भी करते हैं हमारे साथ, जो बदतमीजी करते हैं जी, सही व्यवहार नहीं करते, खाते नहीं खोलते। अब ये महिला बैठी है, ये जुलाई से वहां मतलब बार बार जाकर के चक्कर काट रही है, जुलाई से आप देख लो 2 महीने करीब हो गए, 2 महीने ज्यादा हो गए, लेकिन इसका खाता नहीं खुल पाया। अभी आपने उनसे बातचीत की कोई फोन के माध्यम से? फोन से हम किए तो वो कई बार कहते हैं जी हाँ जी खोल देंगे, कई बार कहते हैं जी हमारे पास तो वर्कलोड ज्यादा है, हम क्या करें, दूसरे बैंकों में खुलाएं। जब हमारे 350 बच्चों के खाते वहां खुले हुए हैं तो दूसरे बैंक में कैसे खुला, हमारे खुद स्कूल के खाते भी वहां है। अभी कितने बच्चों के अकाउंट पेंडिंग है सर? लगभग 50-60 बच्चों के खाते अभी पेंडिंग पड़े हैं। जो हमारे लेवल का काम है फार्म भर के देना, जो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके देना, वो हमें सारा काम पूरा करके बैंक में उठा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक वाले मना करते हैं। इसमें बैंक वाले में पता नहीं क्या तो रजा है, क्या बात है, क्यों नहीं होते रहे, वो तो बैंक वाले बता सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक मामला निकल के आया है, स्कूलों को लेकर काफी समस्या का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, और बार बार जो है किराया लगा रहे हैं, महंगाई का समय चल रहा है, और दूसरा कोरोना का भी जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं चल रहा है, उसके बावजूद भी जो बैंक अकाउंट जो पेरेंट्स को परेशान कर रहा है, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस बारे में बैंक में मैं 3-4 बार पर्सनली जा चुका हूँ, बैंक वाले कहते हुए आपके सेक्टर 14 नजदीक पड़ता हुआ खुलाइए, देखिए सेक्टर 14 वाले कहते भी आपके पहले अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो रेड सुपर मार्केट वहां खुलाइए, तो हमारे स्कूल के खाते भी वहां है, मैनेजर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, माँ बाप 10-10 चक्कर काट कर थक चुके हैं, मेरे पास माँ बाप आकर रोने लग जाते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हम खाते नहीं खुलाना चाहते, तो आप रहने दीजिए, ऐसी समस्या रही है। इस बारे में हमने बीओ और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को हम लेटर लिख चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं रहा है, अब हम परेशान हो रहे हैं, ऊपर से बच्चों के पैसे डालने के रोज लेटर आते हैं,
MIS पे काम करते हैं, बच्चों के लगभग 60-70 बच्चों के खाते पेंडिंग पड़े हैं, तो हमारी ये समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। प्रशासन से अनुरोध करते हैं इस बारे में एक्शन लिया जाए और बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐप दरबार करने के उनके खिलाफ शिकायत की जाए और उनका एक्शन लिया जाए। तो ये था जी गांव ढंडूर के स्कूल का एक मामला था बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के, जो कि पहले विजय बैंक में जो बच्चों के अकाउंट होते थे, और अब जो कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो इनका जो है बैंकों का जो विलय किया गया है, उसके बाद में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा एक अपना जो तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो बच्चों के पेरेंट्स को जो परेशान कर रहा है, और बच्चों के पेरेंट्स की वहां जब वो जाते हैं तो उनकी बेइज्जती वगैरह करता है, मतलब गाली गलौज करके उन्हें निकाल दिया जाता है कि हम लोग आप लोगों के लिए थोड़ा ना बैठे सारा दिन। तो इस तरह की समस्या कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंट्स को लेकर के आ रही है, और बच्चों के अकाउंट्स जो है कहीं ना कहीं नहीं खोले जा रहे हैं, और जो सरकार की जो सुविधाएं जो बच्चों को मिलती है वो कहीं ना कहीं उस सुविधाएं को लेने के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं वंचित हैं, उनके पेरेंट्स भी वंचित हैं। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत, आप देख रहे थे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक।